हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज सब लोगों ने कुछ स्टार्ट किया क्योंकि आज जल्दी जल्दी कोचिंग आ गए थे। और इसका मुंह में बोल बाहर आ गया जो डिप्रेशन में हो, डिप्रेशन में हो गया क्योंकि आज ये बंदा बोर्ड मार का है क्लास में याद करके ना आया। अरे ये तो हमारे क्लास में, ये जो मेरा वाला ले गया ब्लैक मार्क। अरे मार होते हुए अमन के पीछे। अरे और अमन अब लिखने लगा हो गया है। और ना कुछ रसीद दिखाना चाहता हूँ, ये आपको 15-16 हज़ार में मिलेगी, ठीक है? अरे अलावा सेट में होगा, सब सेट हो जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे थे स्टेशन कि पानी लेके आते ठंडा। सॉरी यार, झूठ बोल रहा है, पानी नहीं, हम लोग को दारू लेके आना। दारू नहीं पीते हम लोग, पानी पीते हैं। नहीं नहीं गाइस, झूठ बोल रहे हैं, हम लोग दारू खूब पीते हैं, पेल के पीते, जब तक गिर ना जाए, मर ना जाए, तब तक पीते रहो। तो ठीक है, स्टेशन चलते हैं, स्टेशन लेके आते हैं क्योंकि अभी आपको स्टेशन में एक एक तरह की कन्याएं और रशियंस एंड नेपाली एंड भोपाली सब दिखाएंगे आपको, ठीक है? सब दिख जाएंगे। चलिए बने रहिए हमारे चैनल पे। हाँ बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। तो ठीक है, हेलो गाइस, देखो पानी फटने जा रहे हैं। कल भैया का एग्जाम था, हालत खराब हो गया था, दो दिन पहले कुछ बोला नहीं जा रहा था, आज है ना बहुत कुछ बोल रहे हैं भैया। आज शनिवार है और शनिवार में हम गाली नहीं देते हैं, और ऐसे भी हम गाली नहीं देते हैं, बहुत सुधरे हुए लड़के हैं। तो चलो स्टेशन चलते हैं। हम स्टेशन आ गए हैं और गरीब रथ है, नाम का गरीब रथ है, और वैसे काम का भी गरीब रथ है यार, क्योंकि तो पैसा बहुत कम है लगता है इसमें। अप्रॉक्स जो दिल्ली से आने में सबको एसी में 1400 कुछ रुपए लगता है, इसमें 900 कुछ रुपए लगता है, अप्रॉक्स 500 रुपये के आसपास बस बजट पड़ता है इसमें। तो पानी भरते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं और निकलते हैं कोचिंग में, ठीक ना? क्योंकि ऐसा लेट हो जाएगा फिर हम लोग। और वो लोग कहाँ चला गया भाई? ये ट्रेन एक नंबर है यार, बहुत मस्त ट्रेन है, ये चलती भी बहुत सही है, स्टॉपेज भी बहुत कम है इसका, और बस इसमें एक ही प्रॉब्लम, बस इसमें पेंट्री कार्ड नहीं है जिसमें आपको खाना पीने के लिए नहीं मिल पाएगा। तो जब भी इसमें ट्रैवल करें तो आप खाना पीना अपना ले के चले, क्योंकि ऐसे बाहर के लिए और अंदर के लिए इसमें ऐसा कुछ बाहर खाने पीने के लिए नहीं है। तो पानी भरते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा। अभी हम लोग मतलब 3 नंबर पे जा रहे हैं क्योंकि 3 नंबर पे सारे लोग गए हैं, और लिफ्ट पे ना अलग ही एसी वाला फीलिंग आ रही है क्योंकि हवा चल रहा है ना, ऊपर से आवाज भी ज्यादा गूंज रहा है। ठीक है गाइस, आ गए, गेट भी खुल गया है गजब। तो ठीक है, आज ऊपर से वीडियो बनाता हूँ मैं। 3 नंबर पे आए तो वो लोग आ गए 1 नंबर पे। अरे यार, तो फिर हम 1 नंबर से अगर अभी नहीं मिलेगा सीधा कोचिंग चले जाएंगे हम लोग, यार देर वेस्ट नहीं करेंगे कहीं भी। चलो चलते हैं भाई, ट्रेन आई नहीं, वेट कर रहे हैं उसका कि वो आएगा और पानी पिलाएगा। यार आज स्टेशन बहुत खाली है, नहीं तो ऐसे लगभग हमेशा स्टेशन पर भरा हो रहता था ना भैया। आज स्टेशन पता नहीं क्या है, आज मेरे ख्याल से वो है ना, शादी वादी का टाइम है, तो इसलिए सब लोग उधर उधर गया है, इस कारण आज स्टेशन ना खाली लग रहा है। चलो चलते हैं इधर से नीचे 3 नंबर पे, अगर 3 नंबर पे वो लोग बैठ के पानी पी रहा है, अब उसका दोस्त लगा तो वहाँ से बैठ के लोग पानी। तो हम आ गए अभी कोचिंग क्योंकि वो लोग भी नहीं मिले हमको। तुम लोग कहाँ थे जी? हाँ कब भी आए, हम लोग तुम्हें लोग को ढूंढ रहे थे, नॉर्मल है। तो ठीक है, चलते हैं कोचिंग और पढ़ाई करते हैं। हम लोग खाना पीना खा चुके हैं सब लोग, मैं तो खा के आ गया था घर से ही, घर गया था बीच में। अभी बज रहा है 3:30 और 4:30 से हम लोग का क्लासेस है, तो अभी सब लोग रेस्ट कर रहा है और मैं बैठ के
फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडिट कर रहा था, तो एडिट करते हैं और चलो चलते हैं एडिट करते हैं और क्या, और बस और सब ठीक। आज मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड से बात किया और भाई का दिल पूरा धक धक कर रहा है, धक धक क्या बोले, मेरा हार्ट बीट 100 पर एलम से धक रहा है भाई, ऐसे ऐसे धक 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 हो रहा है कि भाई क्या बोलेंगे दोबारा। हां वो कहीं और नहीं, कहीं और नहीं, वहीं 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 और नहीं, वहीं जाना है इसको। मैं डरता था गाइस, क्या करूं, मैं बात करने से बहुत ज्यादा डर रहा हूं, बात नहीं कर पा रहा हूं। आपको बंदी तो नहीं दिखा सकता क्योंकि इसकी बंदी, इसकी दोस्त है, दोस्त नहीं, अरे सॉरी बंदी है, तो दिखाएंगे कुछ देर में, दिखाएंगे जब हो जाएगी ना तब इन दोनों के साथ फोटो खींचेंगे, ऐसे नहीं दिखा सकता मैं। तो ठीक है, ऐसे हम लोग बाहर खड़े हैं क्योंकि वो लोग भी खड़ी हैं। हाँ अरे बात उनके लिए भी नहीं, सब लोग खड़े हैं हम लोग, पर बाकी गए बाथरूम करने के लिए उधर। और मैं तो हमेशा जानती हूँ, मैं तो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देता हूँ, कहीं भी रहता हूँ ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देता हूँ, और क्लासेस होने में अप्रॉक्स अभी 15 से 20 मिनट बाकी है, तो बहुत टाइम है अभी मेरे पास, तो इसलिए आगे बैठे हैं बाहर। तो हम घर आ गए अभी, और आज भैया से बहुत कुछ पढ़ रहे थे हम लोग, तो लेट हो गया था, पर 7 बज गया था हम लोग आने में, अभी बज गया कितना, 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, मतलब 7:45 हो गया है। और भैया अभी हम लोग खाना पीना खाते हैं, मम्मी खाना बना रही है, पापा जा रहे हैं मार्केट, पिक्चर में है तो भाई। और यार चांद एक नंबर लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक नंबर लग रहा है चांद, तो उसका कोई कंपेयर तो है नहीं चांद का, पर आई हैव वन मोर चांद जिसका नाम हम ले नहीं सकते। और चलो ठीक है, क्या ठीक है यार, पूरा मूड ऑफ है, खाली मैथ्स बना बना के दिमाग ख़राब हो रहा है, क्रॉन पढ़ पढ़ के दिमाग ख़राब हो रहा है। आज हम मतलब भैया लोग पूछे क्या 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 करना है तुम लोग को, तो भाई मेरा तो एक ही ड्रीम है कि फ़ौज में जाना है, सब मेरे को बोलने लगा कि यार फ़ौज में जाना है तो SSC क्यों कर रहे हो, ये वो लर्न बन, तो मैं ज़्यादा किसी को जवाब वाब देने का मूड में रहता नहीं हूँ हमेशा, और ना हूँ ना कभी था और ना कभी हूँगा, तो कोई भी मेरे से ये चीज़ का जवाब पूछने ना आए, नहीं तो उसका जवाब यही मिलेगा कि अपना काम से काम रखें। मैं हर चीज़ का जवाब अपने पापा मम्मी और कुछ लोग को ही देता हूँ जिसको मैं ज़रूरी समझता हूँ, उसके अलावा किसी और को नहीं देता। और मेरे YouTube में वीडियो बनाने से किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे साइड से बाहर में जाओ, क्योंकि तो मेरे पेरेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे पेरेंट्स में मेरे दीदी हैं, जीजू हैं, सब लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अलावा कोई भी है मेरे साइड से तुम बाहर में जाओ, आई सिंगल केयर अबाउट दैट, ओके। तो मम्मी ने खाना बना के दे दिया, और ये भाई अभी आम का सीजन है, पेड़ का आम है, पक भी गया है, बहुत मीठा है भाई, बहुत मीठा है। मम्मी ने गोभी भिंडी मतलब भिंडी बनाया है, तो खाते हैं उसके बाद आपसे बात करते हैं हम, ठीक ना। तो फिर मैं अभी इस वीडियो को एंड करता हूँ, और मेरे को आ रहा है भाई, पढ़ाई करने जाना है मेरे को, तो इस वीडियो को एंड करना पड़ेगा मेरे को। और सब जा रहे हैं भोज खाने के लिए, क्योंकि मैं खाना पहले खा चुका हूँ, तो मेरे को ऐसे भी भूख नहीं लग रहा है, और सब कहाँ, बस दीदी जा रही है और पापा तो गए मार्केट, तो दीदी है और मामी लोग गए, तो वो लोग जाएंगे और हम बस घर बैठे हैं। तो ठीक है, गुड नाइट, जय श्री राम, टटप बाय बाय।